गरम घी में अगर फूली हुई चना दाल डालकर देखें तो दोस्तों मार्केट में मिलने वाली बहुत ही महंगी रेसिपी हम घर पर आसानी से बना सकते हैं और बहुत ही शुद्ध तरीके से। नमस्कार दोस्तों, मैं रिया स्वागत करती हूँ टेस्टी फूड विद रिया में। हाँ दोस्तों, आज मैं चना दाल से एक ऐसी रेसिपी बनाकर तैयार करने वाली हूँ जो बहुत ही ज्यादा शुद्ध, प्योर, हेल्दी और अपने घर के कुछ ही सामान से बनकर तैयार हो जाएगी, जो मार्केट में बहुत ही महंगे दामों पर मिलती है और वो भी मिलावट वाली। तो क्यों ना हम मिलावट वाली मिठाइयों से बचें और इस त्योहार पर कुछ हेल्दी और शुद्ध देसी घी में अपने घर पर बनी हुई मिठाइयों का यूज करें। तो दोस्तों, ऐसी ही रेसिपी पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये रेसिपी। इसे बनाने के लिए मैंने एक कप चना दाल को ओवन नाइट भिगो कर लिया है। अच्छे से दो तीन पानी से मैंने इसे धो लिया है और धोने के बाद छन्नी में रख दिया था। अब किसी मोटे टावल पर इसे डाल लेना है और इसे अच्छे से पोंछ लेना है। अगर आप पोंछना ना चाहें तो किसी प्लेट में डालकर 2 मिनट पंखे के नीचे रख दें, अच्छे से हल्की सी ऊपर से ये क्या है जो पानी की मात्रा है वो ड्राई हो जाए। बस इतना ही हमें इसका पोंछकर पानी को अलग करना है, बहुत ज्यादा हमें ड्राई नहीं चाहिए, नहीं तो तुरंत भी आप इसे टावल से पोंछकर ऐसे ही यूज कर सकते हैं। तो देखो, अच्छे से ये हल्की सी ड्राई हो गई है। अब कढ़ाई में हमें डालना है 2 चम्मच देसी घी। हाँ दोस्तों, मैं इसमें बहुत ज्यादा देसी घी का भी यूज नहीं करने वाली कि कई लोगों को घी से भी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए बहुत कम घी में ही हम ये मिठाई बनाकर तैयार करेंगे। तुरंत ही हम इसमें चना दाल डाल देंगे और इसे लगातार चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें गोल्डन कलर आने तक इसे सेकना है, जब तक कि इसमें से जो भी पानी की मात्रा है वो अच्छे से ड्राई ना हो जाए। तो लगातार चलाते रहिए और ये जब इस तरीके से हल्का सा कलर चेंज कर दे, देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से कलर चेंज कर दिया है और ये हल्की सी ड्राई भी हो गई है, पानी की मात्रा नहीं रही है। अब इसे निकालकर हमें ठंडा करना है, तो मैं इसे बाउल में रख के ठंडा कर लेती हूँ पहले, और ठंडा होने के बाद हमें इसे ग्राइंडर जार में डालना है। ग्राइंडर जार में डालने के बाद इसे अच्छा सा हमें पीस कर तैयार करना है, यानी कि इसका बारीक पाउडर बनाना है। हल्के हल्के चंक्स नहीं रहने चाहिए, एक बार इसे चेक कर लें, यानी कि पल्स मोड पर चलाते हुए मैंने इसे पीसा है और अच्छे से देखिए इस तरीके का ये पाउडर बन गया है, हल्के हल्के से दाने बस दिख रहे हैं। अब उसी कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच घी और ऐड किया है, यानी कि 2 चम्मच मैंने पहले डाला था, 1 चम्मच अभी डाला है, 3 चम्मच मैंने घी अब तक यूज कर लिया है और इसे जो हमने पाउडर बनाया है उसे भी इसमें ऐड कर देना है और लगातार चलाते हुए इसे 2-3 मिनट और कुक करना है, यानी कि हमें इसे भूनना है। देखिए अभी इसमें हल्की हल्की सी यानी कि गांठें दिख रही हैं। अब जैसे ही इसे भूनते जाएंगे घी की मात्रा को ये अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा और एकदम भुरभुरा सा पाउडर हो जाएगा, यानी कि अच्छे से अपनी जो भी लम्स हैं उनको छोड़ देगा। देखिए एकदम अलग अलग होने लगे हैं दाने और एकदम एक पाउडर जैसा फिर से बनने लग गया है। इतना ही हमें इसे कुक करना है। तो देखिए अच्छे से ये भुन गया है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 कप, यानी कि जितनी मैंने चना दाल ली है उससे आधा मैंने इसमें ये पाउडर डाला है नारियल का। नारियल का जो बुरादा आता है वही मैंने इसमें यूज किया है। आप इसकी जगह मिल्क पाउडर डाल सकते हैं, खोया भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास हो डाल सकते हैं। जिस कप से मैंने चना दाल को भिगोया था उसी कप से भरकर मैंने 2 कप फुल क्रीम वाला दूध डाला है। मलाई भी हो उसे भी इसमें ऐड कर सकते हैं, उसमें मावे का टेक्सचर आएगा। और लगातार चलाते हुए हमें इसे कुक करना है जब तक ये हल्का सा ड्राई ना होने लगे। तो देखिए दूध को इसने अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है, हल्का हल्का ड्राई होने लग गया है और देखिए इस तरीके से ये जब थिक होने लग जाए तब इसमें हमें डालनी है चीनी। और उसी कप से भरकर मैंने 1 कप इसमें चीनी डाली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी की मात्रा कम ज्यादा कर सकते हैं। तो देखिए चीनी को हमें लो फ्लेम पर मेल्ट करना है, नहीं तो उसके चंक्स रह जाएंगे। और देखिए लगातार इसे चलाते रहना है। जब चीनी अच्छे से घुल जाए तब इसमें मैंने 4 इलायची को क्रश करके डाला है और थोड़ा सा ये मैंने फूड कलर यूज किया है। मेरे पास ऑरेंज फूड कलर था, आपके पास येलो फूड कलर हो तो वही डालें, उससे बहुत ही अच्छा कलर आता है, एकदम बेसन की बर्फी वाला। लेकिन मेरे पास वो येलो वाला नहीं था तो मैंने ऑरेंज डाल दिया है, इससे भी बहुत ही प्यारा कलर आएगा। तो देखिए इसको लगातार चलाते रहे और जब तक ये हल्का सा ड्राई ना हो तब तक हमें इसे लगातार चलाते रहना है और फ्लेम को भी लो टू मीडियम रखना है। थोड़ी देर के बाद फिर इसे लो मीडियम टू हाई कर लेना है, यानी जैसे ये कुक होने लगे धीरे धीरे इसे फ्लेम को हमें तेज कर लेना है। और देखिए ये हल्का सा ड्राई होने लगा है, पैन को छोड़ने लगा है
और देखिए इसी स्टेज पर हमें इसमें लास्ट में एक चम्मच देसी घी और डालना है, जिससे हमारी जो बर्फी बनेगी उसमें हल्की सी साइन होगी, वो अंदर से मॉइस्चर वाली होगी, एकदम मुलायम बनेगी, बहुत ही टेस्टी क्रीमी ये टेक्सचर वाली बनेगी। तो इसलिए मैंने एक चम्मच देसी घी लास्ट में डाला है। टोटल मैंने रेसिपी में 4 चम्मच देसी घी का यूज किया है। आप इसे और भी कम मात्रा में कर सकते हैं, यानी 2 चम्मच घी से भी इसे परफेक्ट बना सकते हैं, अगर कम घी खाना पसंद करते हैं तो। और कोई ज्यादा खाना चाहता है तो वो इसमें 4 की जगह 8 चम्मच घी का भी यूज कर सकता है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए और थोड़ा सा पार्ट लेकर इस तरीके से गोल करके देखेंगे, ये अच्छे से बॉल्स के रूप में आ रहा है, यानी कि ये बैटर हमारा जमने के लिए तैयार है। इतना ही हमें इसे कुक करना है। और अब इसे हमें किसी प्लेट में हल्का सा घी लगा लेंगे। मैंने इस प्लेट में घी को ग्रीस कर लिया है, जिसे नीचे से चिपकेगा नहीं, और जो हमारा बैटर है उसे इसमें ट्रांसफर कर देना है। ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा क्योंकि अभी गर्म है तो इसलिए हल्का सा सॉफ्ट है, पहले इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे। मैंने चम्मच में बैक साइड में घी लगाया है और इसे एकदम स्मूथ चारों तरफ से चिकना होने तक अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। तो देखिए कितना प्यारा कलर आया है, बहुत ही टेस्टी ये बर्फी बनकर तैयार होगी दोस्तों, एकदम सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली। आप यकीन नहीं करेंगे कि आपने इसे चना दाल से बनाकर तैयार किया है। आपको लगेगा कि किसी महंगी वाली मिठाई की दुकान से मिठाई आई है। दोस्तों आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। लास्ट में मैंने गार्निश के लिए बादाम की कतरन डाली है। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो आप वो डाल सकते हैं, अगर ड्राई फ्रूट नहीं है तो नारियल का बुरादा भी इसमें ऐसे डेकोरेट कर सकते हैं। इसको भी मैंने अच्छे से सेट कर दिया है और आधा घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। ठंडा हो गई है बर्फी, अच्छे से किनारे छोड़ने लगी है। और देखिए इस तरीके से हमें इसे अपने मन चाही जो शेप है उसमें इसे कट कर लेना है। और देखिए कितनी आसानी से ये कट हो रही है, तो इसके टेक्सचर से आपको पता चल रहा होगा ये कितनी सॉफ्ट बनकर हमारी ये मिठाई तैयार हुई है। बहुत ही आसानी से इसके पीसेस अलग हो जाएंगे और एकदम सॉफ्ट मुलायम मुंह में घुल जाने वाली ये मिठाई हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए एक पीस को मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ, देखिए कितना प्यारा टेक्सचर कलर शेप आया है इसका। और देखिए पास से हम इसे एक बार देखेंगे, बहुत ही सॉफ्ट ये मिठाई हमारी बनकर तैयार हुई है। और मैं इसे तोड़कर भी दिखाऊंगी ये अंदर से कितनी ज्यादा सॉफ्ट बनी है। तो देखिए कितनी ज्यादा सॉफ्ट और एकदम मुंह में घुल जाने वाली ये मिठाई हमारी बनकर तैयार हो गई है दोस्तों। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, अपनी कमेंट में मुझे जरूर बताना। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।